नहीं, दो अक्षरों वाले शब्द और तीन अक्षरों वाले शब्द हमने सीखा था, तो अभी हम सीखेंगे चार अक्षरों वाले शब्द। चार अक्षरों वाले शब्द कौन से हैं और उसका मतलब क्या है यहाँ पे हम, और उसको जोड़कर कैसे लिखा जाता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, जोड़कर लिखिए अक्षरों को। जोड़कर लिखिए, अक्षरों को जोड़कर लिखना है। वो पहला अक्षर है, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवां अक्षर। ठीक है, अभी पहला अक्षर है अदरक। अदरक यानी कि क्या है? द, क, समानांतर अदरक। अदरक यानी कि रिंगर। रिंगर यानी कि क्या है? अल्लाह। श, अधिक, र, अधिक, ब, अधिक, त, शरबत। शरबत यानी क्या है? जूस। JUICE, जूस। ठीक है, इसके बाद चौथा अक्षर है शलगम। शलगम यानी क्या है? टर्नेट। ठीक है, टर्नेट। अभी क्या है? म, आदि, ह, आदि, र, आदि, म, मरहम। मरहम मरहम यानी क्या है? ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट आप कीजिए। ऑइंटमेंट ठीक है, अभी जो है प, अधिक, श, अधिक, प, अधिक, न, 55। 55 यानी कि क्या है? 55। 55 यानी कि क्या है? हिंदी 55। ठीक है, 55 यानी कि ये है 55। अभी जो है कौन सा अगला अक्षर है? अ, अधिक, च, अधिक, अधिक, क, अधिक, न, अचकन। अचकन यानी क्या है? अचकन यानी लंबा कोट, लॉन्ग कोट। उसके बाद न, अधिक, क, सॉरी, न, अधिक, ट, अधिक, ख, नटखट। नटखट यानी क्या है?
नॉटी। नॉटी ठीक है। अभी जो है हलचल, हलचल मीन्स चेयर ठीक है। अभी जो है खटमल, ख अधिक ट अधिक म अधिक ल खटमल। खटमल यानी क्या है? बेड बॉग। बेड बॉक्स ठीक है। ये हो गए चार अक्षरों वाले शब्द और है थोड़े। अभी हम आगे लिखेंगे आ, दस अक्षर है आस अधिक पास, आसपास, आसपास ठीक है। आसपास मीन्स नियर बाय, नियर बाय ठीक है। और जो है ग्यारहवां अक्षर है त अधिक ल अधिक व अधिक र, तलवार। तलवार यानी कि क्या है? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड ठीक है। अभी जो है वनवास, व न अधिक व अधिक स ठीक है। वनवास, वनवास मीन्स एक्साइल ठीक है। वनवास मीन्स एक्साइल। अभी तेरहवां अक्षर है आ अधिक स अधिक म अधिक न, आसमान। ठीक है। अभी चौदहवां अक्षर है, चौदहवां अक्षर कौन सा है? थर्मास, थ अधिक र अधिक मा अधिक स थर्मास, थर्मास ठीक है। इंग्लिश में भी हम थर्मास ही कहते हैं, थर्मास ठीक है। अभी पंद्रहवां अक्षर है, आखिरी अक्षर है, वो है ख, वो है ब, बलवान, ब ल वान, सॉरी बलवान। बलवान मींस स्ट्रॉन्ग ठीक है। ये हो गए चार अक्षरों वाले शब्द। अभी इसको आपको क्या करना है, देखकर अपने क्लासवर्क में कॉपी करनी है और बिना देखे एक बार अपने होमवर्क बुक में लिखकर निकालना है। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसको एक बार देखकर क्लासवर्क में लिखना है और एक बिना देखे होमवर्क बुक में लिखना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। और जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि दो अक्षरों वाले शब्द और तीन अक्षरों वाले शब्द, वो भी आपको क्लासवर्क में उतारना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है दो अक्षरों वाले शब्द, उसके बाद तीन अक्षरों वाले शब्द, उसके बाद ये चार अक्षरों वाले शब्द अपने क्लासवर्क में उतारना है ठीक है।